नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा अपडेट, सबसे पहले सबसे पर मैं कहती हूँ कि शायद कायनात को कुछ और मंजूर था।
इतिहास के पन्नों में कुछ और लिखा जा रहा था। नहीं तो कई राजा है 17 बार लड़े और फिर 18 बार भी जीतता हुए हैं, ये तो हमारे इतिहास में चल के आए सच्चे। तो भगवान ने भी शायद बोलना कर लाल जी इस बार कोई बात ना बोला, अगली बार राजा का किला ढकने जा रहा है, भंडारा में कि तो भागवत कथा सुनते हुए में मेल में दुख तकलीफ में थारा बीच को सू और मैंने संकल्प ले रखियो से मेरी माता जी ने मैं पक्को कर रखियो सू भाई जो तू बना हुआ तरलाल तो तेरा ये जो से ना जनता तेरा भाई बहन से ये बनाऊंगा इनने भूलिए बनना इसलिए मैं भूलू को नहीं पा बार बार धन्यवाद करूं छू क्योंकि यो इलेक्शन तम लड़ रहा है अटेली की जनता यो इलेक्शन लड़ रही है हतरलाल में इतनी ताकत को नहीं पर तमने यो इलेक्शन जो उठा रखो जो लहर बना रखी है तो यो सूचक से बदलाव को सूचक से और बदलाव ते ही जो है ना सारी समस्या को समाधान होगो बदलना ये हाल जरूरी है परिवर्तन फिलहाल जरूरी है और खुशहाल अटेली के लिए विधायक अतरलाल का
आदरणीय गौरवशाली महान काम आपने जो धूल मालाओं से पगड़ियों से और संपूर्ण राम राम का धन्यवाद किया। इस रोड पर जिघावण दोड़ा जाट मुंडिया खेड़ा बेवड़ तो आपकी एक तरफा लहर चल रही है, क्योंकि जीत तो भरोसा की ओर से, तो भरोसो 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 कि यो इलेक्शन जीतने से और अटेली को खुशहाल बनाना है, अटेली को खुशहाल बनाना है। तीन चीजें दबड़ेगी, शिक्षा से, खेल से और रोजगार से। मैंने रिपोर्ट ले ली, कोई एक आदमी नहीं, अगर कोई है तो वो आप थोड़ा सा करें विचार, इनको ढूंढना नहीं पड़ेगा आपको। अन्ना उरा ढूंढने मत मु देख ले को का मेरे गांव हम कितने ब्याह हो ना वो ब्याह मत चल गई उठ कना दान तक कर तो कि जीम तो पड़ जाए। कोई मंदिर ऐसा हो जो इसका निर्माण हो रहा हो जिन्हें कर मैं ज्यादा टेम को ले लू, मेरा ज्यादा थम जानो छो मास पशु भी का है तब बढ़िया पढ़ाए तो राजनीति को ध्यान को न्या। अरे मैं महेंद्रगढ़ कॉन्स्टिट्युएंसी को आदमी मेरो वोट ना उरे को लेनो ना देनो ना अपने मेरे इतना है शिलार कुट के दो मुड़ा वो मुड़ा हमने टाबर पढ़ाया 39 साल तो वहां हमारे कुछ जानकार है, हमने डोर टू डोर काम किया बाबू जी के साथ। और मैं अपनी बात को विराम देता हूँ, आने वाली तारीख को हाथी के ऊपर आप बटन दबाए मैं कुर्तली पसार की तरह की वोट की भीख मांगू तो भीख मांगू। ये दसें साल के अनुसार ऐसा ढाई बात बताऊ अगर जीत रो से और वो कहो मैं जीत रो सो वो कहो मैं जीत रो सो वो कहो तेरा चश्मा कट जा तो जीतता पड़ा मैं वोट गिरो मुके देखो सही यो ठीक कह छो जीतते को न देव अगर सही यो दो बात कह के कह छो जीतता मैं अरे हारने भी नहीं कहना भाई तेने कढ़ा नहीं गिरा वो एक कहो बच्चों कुआ ना गिरा वो बोर्ड टकरा जैसे आपस में टकरा तो बोला बाबू जी की जीत से जीत लीड बना दो लीड। धन्यवाद की सरकार चल रही है, बल्कि यहाँ तो ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है और उसके बावजूद एक दर्जन आईटीआई है, यहाँ किसी में फायर सेफ्टी का डिप्लोमा नहीं है, जो अच्छे अच्छे डिप्लोमा होते हैं वो किसी भी आईटीआई में नहीं है। जितने महाविद्यालय हैं उन्हाड़ी में कनीणा में अटेली में उनमें पीजी की क्लास नहीं है, रेगुलर प्रिंसिपल नहीं है और दो अस्पताल है, यहाँ कनीणा में उपनागरिक अस्पताल है अटेली में उपनागरिक अस्पताल है, न तो अल्ट्रासाउंड की मशीन है न एक्सरे की मशीन है न पूरे डॉक्टर है न दवाइयां हैं। और सेलम बोरा जी बता रहे हैं तो इन चीजा को घरों भरना चाहो सो इन चीजा की पूर्ति और समाधान करना चाहो सो तो अपना साथी अतरलाल ने बना लो अरा खास हो गया ना तेरा साथ हो गया। ये तो झूठा से मुख्यमंत्री खुद दोगड़ा हीरको तहसील बनाने का वादा करके गया और आज तक उप तहसील नहीं बनी, तो जब अतरलाल आ जाओ ना तो दोंगड़ा हीरको उप तहसील का दर्जा तुरंत देंगे तुरंत देंगे। और 14 महीना शेरंग बागोत के बीच में एक कट बढ़ना था जिससे व्हीकल चढ़ जाया उतर जाया वो नहीं बना, तो वो बनाओ को जो इन चीजा ने जाने से अतरलाल ने इस चीज को ज्ञान से कि चीज किस तरह बनेगी या चीज किस तरह मतलब होगी। मैं आपने एक वाक्य सुनाऊ चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री थो तो उसने महाराज बताया कि मुझे मैंने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और मैंने कहा कि देखो अब तक पहले आप विपक्ष में था लोग कहा करता कि भई हम सरकार में आ जाएगा तो रोजगार को मौलिक अधिकार दे देंगे, सबने रोजगार दे देंगे, शिक्षा को हब बना देंगे, इंडिया ने खेला में आगे बढ़ा देंगे। ये बापा मंत्री सा तो बोलो के करो सर कहा करो सर
तो बोले वो मंत्रिमंडल वाला ने बोला जी देव हमने भी को नहीं कहा क्या करता तो इन लोगों ने पता को नहीं और अतरलाल ने इस चीज को डेरों से किया चीज किस तरह समाधान हो।